नमस्कार दोस्तों, लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंटर कोर्स के तुरंत बाद यूरिन पास करना क्यों होता है जरूरी, महिलाएं दे खासतौर पर ध्यान। इंटर कोर्स के बाद यूरिन पास न करना आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। महिलाओं को इससे यूरिन इन्फेक्शन समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इंटर कोर्स के बाद आप कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखें। पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते समय अपनी इंटीमेट हाइजीन का ख्याल रखना काफी जरूरी होता है। इंटीमेट हाइजीन का ख्याल ना रखने से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकल रिलेशन बनाना सेहत के लिए हेल्दी माना जाता है, लेकिन उसके बाद की गई कुछ गलतियां आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से लोग इंटरकोर्स के बाद तुरंत ही सो जाते हैं, जो आपके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना काफी जरूरी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है वजह। आपको बताते हैं कि इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना क्यों जरूरी होता है। इंटरकोर्स के बाद क्यों करना चाहिए यूरिन पास। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद महिलाओं के लिए यूरिन पास करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं का मूत्र मार्ग छोटा होता है, जिससे आसानी से बैक्टीरिया फैल सकते हैं। इंटरकोर्स के दौरान पुरुषों के यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूरिन पास करने से ये बैक्टीरिया निकल सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन का होता है खतरा। बहुत सी महिलाओं को इंटरकोर्स के बाद यूरिन इन्फेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान बैक्टीरिया महिलाओं के यूरिनरी ट्रैक्ट में फैल जाते हैं, जिससे यह समस्या होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा अधिक होता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग पुरुषों की तुलना में काफी छोटा होता है, जिससे बैक्टीरिया आसानी से आपके मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इंटरकोर्स के तुरंत बाद प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह से सफाई करें। इंटरकोर्स के बाद कब करना चाहिए यूरिन पास। इंटरकोर्स के 30 मिनट के भीतर यूरिन पास करने की कोशिश करें। यदि आप अधिक समय तक इंतजार करते हैं तो बैक्टीरिया आसानी से आपके मूत्रमार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप यूरिन पास करने के साथ ही प्राइवेट पार्ट की सफाई भी करें। क्या पुरुषों के लिए जरूरी है इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना। अगर पुरुष इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास नहीं करते हैं तो उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पुरुषों का मूत्र मार्ग महिलाओं की तुलना में लंबा होता है, जिससे इंटरकोर्स के बाद इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर होता है। क्या इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से नहीं होती प्रेगनेंसी। अगर आप यह सोचते हैं कि सेक्स के बाद यूरिन पास करने से प्रेगनेंसी से बचना चाहती है, तो आपको सुरक्षित इंटरकोर्स का रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो बता दें, इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेगनेंसी के लिए शुक्राणु को योनि से फैलोपियन ट्यूब तक जाने की जरूरत होती है। योनि मूत्र मार्ग से अलग होती है, इसलिए इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता। इंटरकोर्स के बाद बहुत सी महिलाओं को यूरिन पास करते समय जलन का एहसास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो। यूरिन पास करते समय होने वाली जलन के लक्षण कई बार यूटीआई से मिलते जुलते हैं, लेकिन यह एक या दो दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।